गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टिक्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था कि टिक्नोमेट्री क्या चीज होती है और टिक्नोमेट्री रेशियोज के बारे में भी बात की थी हम लोगों ने और टिक्नोमेट्री रेशियोज के अलग अलग एंगल्स पर क्या वैल्यू होती हैं वो भी डिस्कस किया था। लास्ट हमारा रह गया था टिक्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री। टिक्नोमेट्री रेशियोज की 45 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है? तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और ये साइड और ये साइड इसमें कौन सी है? इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो ये एंगल और ये एंगल भी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये एंगल x हो गया और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। x एंड x 2x प्लस 190 डिग्री इज इक्वल टू 180। 2x is equal to 180 degree minus 2 minus 90 degree. 2x is equal to 90 degree, then x is equal to 90 divided by 2 is equal to 45 degree. तो ये हमारी x की वैल्यू क्या हो गई इसके अंदर? 45 डिग्री हो गया। तो ये एंगल जो है वो हमारे कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। ये मेरा इसमें बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेन्यूस। सपोज ये जो साइड है मेरी ए है और ये भी साइड क्या थी इसके अंदर? ए ही थी। क्लियर? अब हम लोगों को क्या करना है, पहले एसी कैलकुलेट कर लेते हैं। एसी का वैल्यू क्या होगा? इन ट्राइंगल ए बी सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर। देन ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू ए। ये मेरा किसका वैल्यू आ गया? ए सी का वैल्यू आ गया ए गुण टू। अब हम यहां टिक्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री एंगल पर बात कर रहे हैं तो मैं बात करता हूं साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन की जो वैल्यू होती है वो पी अपॉन एच होती है। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? ए। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है? ए रूट टू। कैंसिल आउट, देन साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया? 1 अपॉन रूट टू हो गया। इसी तरह से हम लोग कॉस का भी निकाल सकते हैं। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। कॉस 45 इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है इसके अंदर? ए। और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना है यहां पर? ए रूट टू। ये कैंसिल हो जाएगा और कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि जो कॉसेक होता है वो सेक जो होता है वो कॉस का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो सेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट टू। सिमिलरली अगर यहां आ जाए और कॉसेक 45 की वैल्यू बात करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? रूट टू हो जाएगी। तो टिक्नोमेट्री रेशियोज के अंदर जो 45 की जो वैल्यू होती है साइन की कॉस की टेन की वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए और इसके बाद इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 6.1 और 6.1 के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से सॉल्व होते हैं। सॉल्यूशन
फर्स्ट टू साइन 45 डिग्री इनटू कॉस 45 डिग्री। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल का यूज करना होगा और टेबल हमने नेक्स्ट वीडियो में सीख ही ली थी कि किस तरह से हमें उसको कंप्लीट करना है। तो उस टेबल का यूज करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टू, आप टेबल में देखेंगे कि साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 to 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को ये 2 से कैंसिल किया और फाइनली आंसर क्या मिला आपको, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसका सॉल्यूशन कॉस 45 कॉस 60 डिग्री साइन 45 एंड साइन 60 डिग्री। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, टेबल में आप देखेंगे 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, टेबल में आप चेक करेंगे 1/√2 माइनस साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2। सॉल्व करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2 को रूट 2 से कर देंगे 2√2 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे √3 अपॉन 2 को रूट 2 से कर देंगे तो 2√2। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2√2। डिनोमीटर को डिनोमीटर से डिवाइड करते हैं, जो बचेगा उसको न्यूमीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस 2√2 डिवाइड बाई 2√2 1, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 30 का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर 2 कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और उसका स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई साइन टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 और इसका स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 4, 2/√2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 को 2 से कैंसिल 1/4 प्लस 1 प्लस 3 जा 9, 1/4 प्लस ये हो जाएगा 10। इसका हम एलसीएम ले लेंगे 4, 1 प्लस मल्टीप्लाई डिनोमीटर डिवाइड बाय डिनोमीटर मल्टीप्लाई जाएंगे तो 40 इज इक्वल टू फाइनल आंसर होगा 41/4 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में देखें क्या है, फोर्थ क्वेश्चन 3 sin 60 डिग्री, 3 का 3 साइन 60 की वैल्यू जो होगी वो है आपके पास √3/2 माइनस 4 साइन 60 डिग्री अगेन, उसकी वैल्यू भी कितनी है √3/2 और उसका हम क्या करेंगे होल क्यूब 3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाय 2 माइनस 4 इंटू √3 को क्यूब करना है, मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, √3 को √3 से करते हैं 3 और ये हो गया √3, तो होगा 3√3 अपॉन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये जब 8, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब 3√3/2 माइनस 3√3/2 माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको लोग, 0 मिल जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
पहले आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 cos² 60° + 4 sin² 30° - 10² 45° अपॉन साइन स्क्वायर 30° + cos² 30° हम वैल्यू पुट अप करना स्टार्ट करते हैं। 5 cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू होगा आपके पास 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4। sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/√3 और उसका भी होल स्क्वायर माइनस 10² 45। 10² 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उसका होल स्क्वायर प्लस cos 30° की वैल्यू कितनी होगी? cos 30° की बच्चों टेबल में वैल्यू होती है √3/2 और उसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। 5 को 1 से 5/4 प्लस 4 जा 60 अपॉन 3 माइनस 1 इसके नीचे 1। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 4 और 4 एलसीएम क्या जाएगा इसका? 4 डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 4/4 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 4/4 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। नेक्स्ट ऊपर वाले का जो एलसीएम आएगा 4 एंड 3 इसका एलसीएम हो जाएगा 12 डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 12/4 = 3 तो 5 × 3 प्लस 12/3 = 4 तो 16/4 माइनस 1/12 / 1 इस पर 12 को हम 1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा यहां पर 12। 5 × 3 = 15 −12/12 15 प्लस 64 में से 12 माइनस करेंगे 52/12 इन दोनों को ऐड कर लेंगे ये हो जाएगा 7 and 6 67/12। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 67/12। बच्चों जो अभी हम कर रहे हैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल हमने अभी सीखी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल का क्या करना होगा? यूज करना होगा और उससे आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंप्लेंट होती है या दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अगेन आपको बता सकूं। ओके, थैंक यू।